तुम पैर की ठोकर दे रहे हो। पैर की ठोकर दे रहा हूँ। जो बच्चा कहा नहीं मानेगा माँ पिता का, पैर का तो नहीं खुचे पाएगा। बाबूजी, जिस पैर से आप प्यास जीतेन को ठोकर मार रहे ना, एक दिन इसी जीतेन को गले लगाने के लिए तरसोगे। जा रहा है बाबूजी, आज के बाद ये जीतेन इस घर में कभी नहीं आएगा। मैं आपसे समझूंगा कि मेरे एक लड़का है, जो कुछ बन कर आएगा मुझे मुंह दिखाएगा तभी मैं तुझे गले लगाऊंगा। और चाहता हूँ मैं मुझे ना भुला, मेरी याद भी अपने अरे दिल में ना ला। मैंने कितनी मेहनत से पढ़ाता और आज अपने बाप का कहा नहीं मान रहा है। चलता हूं, इस बात को इसकी माँ से बताऊंगा। रंजीत, वो बरसुआ किस खेत में होगा हरामजादा? राजा बरिया, बाल बरसुआ किस खेत में होगा? और चलते इधर ही होगा। चलो बैठो लोग। कहा है मक्कार जो कि हमारे नजीद से बगावत किया है मक्कार। अबे कितनी दूर जाएगा? दूर रहना ही है, से 500 बीघा है बस। चल जल्दी से चलता हूँ। अबे कटवा चाल इनका। हाँ चल। साहेब, यह है बड़कुआ का खेत। खेत तो आ गए बड़कुआ का। हाँ। लेकिन बड़कुआ नजर नहीं आता। आओ कहाँ है बड़कुआ? देखो जरा गौर से। आओ किनारे चल। देखिए ठाकुर साहब साले को देखिए। अरे ठाकुर तुम नो है, वह ठाकुर हो गई गलतियां।
नहीं देख पाया, मैं मजबूर। बड़कुआ जी ठाकुर साहब, तो हमारा बकायेदार कर्ज वाला इंसान है और हमें देख करके सर तक नहीं झुकाया और हमारा जीत तेरे घर गया, फिर भी बगावत करना शुरू कर दिया। और अगर चाहता है और अगर चाहता है तू अपनी भलाई, अगर कर्जा नहीं दे सकता तो इसको सारा को बंदी बनाओ, साले को कैद कर लो, ले चलो इसे पकड़ कर हवेली में बंद कर दो मक्कार को। कर्जा नहीं ले सकते, एक था ये बुढ़वा से 5 मिनट के समय दो बहन फेंके लगी पैसा। अरे वाह वाह राजवारी, आज जिंदगी में पहली बार तूने अक्ल की बात की है। उठा हंटर, और जब तक ये बड़कुआ कर्ज नहीं देता लगा दे सैकड़ों हंटर मक्कार के ऊपर। गरीब है इसाला जमादार आदमी है, जमींदार जबान लड़ाई है। अब मुझे बचा सकते मैं जाऊं कहां वह कर, ठीक है जैसे कहोगे उसे करूंगा। मैं तो का धोखे से जौन मार दिए हो मो गलती माफ की है। ठीक धोखे सारे की बात नहीं मानते, महुक तो पहला थी। सही सही धोखे से आ तोरे लागा है 2-3 कोड़ा धीरे धीरे मरी हो, ठीक अब जल्दी से बैठ जान है गुस्सा मर मुरा जान। ठीक है ठीक है अत्ता बैठ गए तो मैं इन्हें पैसा दे हो नहीं रहा। ठीक है कहां पैसा दे है कि ना मैं दे है मेरे पास नहीं। Thank you.
अबे हराम दादा साले तुझको हम इसको मारने को कहा। अच्छा तुम्हारे लाग का आज तो साले हमको मार रहा है। मान लो मैं उनका मार रहा हूँ वही क्या तो काम और तर तर पियर रहे जा भाई इस कुत्ते को बांध आला चल हवेली जब तक हमारा रकम नहीं देगा तब तक को सलाह हमारे ठाकुर साहब का गुलामी करेगा। अरे नहीं चाहिए राय दरबारी उस बड़कुआ को कैद खाने में बंद कर दिया। अरे तो सारे का बहुत पहले शैंपू हंस फुला दी हूँ। बहुत अच्छा किया लेकिन तुझे मालूम नहीं हमारे परिवार में तीन प्राणी हैं। तीन जने हो मैं हूँ साहेब बस तीन ठो हो तीन प्राणी है वाह साहेब मैं हूँ हमारे दो बेटियां हैं। आप दू ठो बेटियां हैं बेटियां अच्छा बेटियां बड़ी बेटी का नाम विंध्या और छोटी बेटी का नाम विशैला। कुछ चाहे बूंदिया नाम अबे बिंदिया अच्छा बिंदिया और छोटका हिरन का नाम है सहिला विशैला। विशैला कहा जो पहटम लगा वजह काले जाने का वक्त हो गया। हाँ। अभी तक दोनों बेटियां अपने पिताजी से मिलने के लिए आई नहीं। अरे आप प्लीज सिट डाउन आराम कीजिए आती होंगी। हाँ अवन देव मिल ली हो हाल अरे रे मजे मबार साए रे बादरिया अरे मजे मबार साए रे बादरिया नहीं जानते हैं मेरा ही नाम बिंदिया है। चलती हूँ पिताजी के पास और पिताजी से आज बहन विशैला की सारी करतूत बताऊंगी वरना फिर कुछ हो गया तो फिर पिताजी मुझे ही कहेंगे कि तू तो बड़ी है तुझे तो कुछ बताना चाहिए वरना यह हरामदादी दिन को दिन बढ़ी चली जा रही है मुझे तो कुछ सेठती ही नहीं है। चलती हूँ पिताजी के पास। हेलो अरे बूंदी आ गई
आज पहाड़ों में कहाँ बूंदी आए कहीं रे बूंदी आ रही यहाँ बारस गई है आ नहा ले अरे यार तुम गुस्सा के कह मारे ला राम जादे क्या बोला नहीं आए तो गए नहीं और पहले क्या बोल रहा था वो गाना गा रहा था गाना हराम जादे मारूंगी तेरा थोबड़ा टूट जाएगा कसम से यार तुम बड़ी अच्छी लग हट हराम जादे बदतमीजी करेगा तो इधर से पड़ेगा समझ मारो ना क्यों ऐसे किया अच्छी लगा था अच्छा मैं जितनी अच्छी हूँ उतनी खराब भी हूँ कितनी यार खराब निकाल हराम जादा पत्नी पैर से ना मानती मारती ना मानती ना सब रोत ले मारी ले ज्यादा कमी ना करते चल हरामजादे यहाँ जितनी बदतमीजी तुझे करना है कर ले चल अभी पिताजी के पास तेरी सारी शिकायत बताऊंगा सुन ले अपना बता अपना कार्य हूँ क्यों डर गया क्या कर रहा है बदतमीजी हरामजादा कहीं का सुन ले सुन मैं डरती ना हूँ आपके पपीता जी बड़े खतरनाक डरता है हराम जादे तेरी भाषा बदल जाती है क्या अब किया और क्या नहीं और क्या है ये बता मेरे पिताजी कहाँ हैं पहले तुम ये बता क्या वाला ये इसे ऊपर कर ये साहब मरता भारे खाए बेटी क्या बोलना चाहता है बोल मैं कहाँ चली हूँ कहाँ पेटोइया खाए पेटोइया नहीं हराम जादे वहाँ मैं ढूंढने बहुत दिन में कहबा भाई इनकार कर दियो हराम जादे कब मैं गई थी रे देख ले पहले जब नान नान रहे हो ना तब मैं छोटी थी और अब सयानी हो गई बहुत बदतमीजी नहीं समझ लेना अरे तुम चाहे जितनी बड़ी हो जाओ मोरे पर गदेले अच्छा क्यों ऐसे कि पहले मैं तुमको कसम से नहाऊं धोवाऊं कसम से नहाऊं धोवाऊं तेल आंगन कराऊं और इनका लाइलो तो छुल्ला से पेशाब कई दे आराम कई मारती है हराम जादे कब है रे कब क्यों तेरे ऊपर बात रूं कहिया में लाइलो हराम जादे कहीं का तब छोटी थी आर अब सयानी हो गई तो वह छोटे की बात तो आ होती वो छोटे की बातें भूल जाओ सब हटा मुकार दाई दे क्या 10 रुपये क्यों ऐसे कि मैं हम जाए कहाँ जाएगा यही हार फतेहपुर जाइयो क्या वहाँ क्या करने जाएगा वहाँ समूचा खाइयो समूचा पूरा ऊंचा नहीं खा जाएगा समोसा है आराम ज्यादा कहीं का समोसा पैसा नहीं मिलने वाला इसलिए कि आजकल तो बहुत बढ़ चढ़ गया है क्यों हिल रहा है मैं कहाँ कहे ना गया हूँ इसलिए कि आज पहले मैं पिताजी से कुछ बात करूंगी कुछ थोड़ी सी हाँ थोड़ी सी एकदम थोड़ी सी बस एकदम थोड़ी हाँ चलो अच्छा कही ले इच्छा ही तो क्या बात नाम पहले लिए कर बदतमीज कहीं का कहाँ काम किया करता चल पिताजी बेटी आपके छुए आपका पैर
हर बहन बिसैला जान क्यों करती मुझसे और कहना क्या तुम चाहती अरे करिए बात कहना क्या तुम चाहती अरे करिए खासी बात अरे सही सही बतला मुझे अत मत होना पिताजी क्या बात है बेटी आजकल विशाला ना जाने क्यों मुझसे जब देखो उलझती रहती है और इधर उधर जब देखो घूमती टहलती रहती है मैं तो आपसे कह देती हूँ आप उसे अच्छी तरह से समझा दीजिएगा वरना किसी दिन आपकी नाक कट जाएगी तो फिर मुझसे मत कहना कि बेटी बिंदिया तो घर में रहती है और विशाला को समझा आने दो विशाला को अगर ऐसी बात है तो हम दोनों बहनों को भली भांति समझा देंगे पिताजी जब देखो कभी ये मोहल्ले कभी वो मोहल्ले कभी उधर कभी इधर टहलती रहती हैं और जब मैं बोलती हूँ कि ये सब गंदी बातें हैं तो उल्टा मुझे कहने लगती है विशाला ऐसे करती है हाँ पिताजी आने दो चिंता मत करो अगर आ गई तो हम उसे समझा देंगे बेटी अच्छी तरह से समझा देना अरे बहन विशाला तू आ गई अच्छा हुआ कि